लाइव चल रहा है तो मैं क्या करूं। दो बातें हैं, मोबाइल मेरा मटन। पहला, मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, विजय सिन्हा के संपत्तियों की इंक्वायरी की मांग करता हूं, और बीजेपी और विजय सिन्हा की भूमिका, तमिलनाडु की घटना करवाने में इन लोगों की क्या भूमिका है, इनका मोबाइल डिटेल, कॉल डिटेल, इनके पीए का मोबाइल डिटेल, कॉल डिटेल, और इनके घर का सीसीटीवी फुटेज कि कितने बार इन लोगों के यहाँ कौन कौन मिले, और जो संगठन गलत तरीके से उन्माद पैदा, नफरत पैदा करके ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के नेता, पत्रकार लोगों को तवज्जो देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका भी पूरा कॉल डिटेल, उसकी पूरी की पूरी जांच मैं चाहता हूं। खास तौर पर तेजस्वी यादव जी से कहूंगा कि वो उनके मंच पर गए थे तो क्या उनकी जांच पूरी तरह होगी जो आज खून खराबा की बात बिहार में कर रहे हैं, और उसके पीछे पूरा बीजेपी सपोर्ट कर रहा, पूरी बीजेपी की भूमिका, पूरा इंटायर बीजेपी, लगभग विजय सिन्हा जी की प्रमुख भूमिका नफरत पैदा करने में, इन लोगों की बड़ी तैयारी थी, बिहारियों को मरवाने की तैयारी थी बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। वो तो समझिए कि उन्माद कुछ ही क्षण में रुक गया, कुछ ही लोगों की जाने गई, तो इन लोगों पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। जो लोग इस तरह का उन्माद पैदा किए हैं, और जो लोग ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई सोशल मीडिया के लोग हो, उनकी भी पूरी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि पत्रकारिता जगत का सम्मान मुट्ठी भर कुछ अपराधी पत्रकार के चलते गिरी है, कुछ यूट्यूबर के चलते पूरे देश के पत्रकारों का सम्मान शर्मसार से झुका है, पूरा पूरे चैनल आज साख गिरी है। लोग किस पर भरोसा करें, पत्रकार ही जज ही ऐसे बचे जिस पर लोग विश्वास करते। लेकिन सवाल ये उठता है, जब पत्रकार जाति बन जाए, जब पत्रकार हिंदू मुसलमान हो जाए, दलित हो जाए, जब पत्रकार भगवान को बाइफर्केशन करके गाली गलौज शुरू कर दे, तो क्या वो पत्रकार है? क्या ऐसे पत्रकारों की लाइसेंस रद्द नहीं होनी चाहिए? जो अपराधी को प्रोटेक्ट करता है, जाति उन्माद पैदा करता है और जाति आधारित पत्रकारिता करता है, मैं एक कठोर कानून बनाने का मांग करता हूं कि जो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स जो आए हैं, उनमें इनको सरकार के दायरे में रह के काम करना चाहिए, किनको एजेंसी लाइसेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सरकार एक कंप्लीट रूप से एक कानून बनाए, क्योंकि यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूबर्स के कारण जो अपराध के पैसे से और पूरे माफियाओं के पैसे से यूट्यूबर और सोशल मीडिया चला रहे हैं, वह समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया, वह संविधान के लिए चैलेंजेबल बन गया, और इसकी जांच पूरे तरीके से होनी चाहिए। जो जेन्युइन यूट्यूबर और सोशल मीडिया है, उनका अपमान हुआ है और उनकी विश्वसनीयता घटी है। इसलिए मैं तीसरी तरफ इंटायर कोचिंग, खास तौर पर खान को इतना प्रोटेक्शन का
कहां से मिलता है, बीजेपी क्यों खान के पीछे करी, और खान हमेशा नरेंद्र मोदी जी या अन्य लोगों को प्रोटेक्ट की बात कैसे करता है। खान एक टीचर नहीं है, एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग बन चुके हैं और हमेशा विवाद में वो रहते हैं। खान है, इतने बड़े बड़े जो हुडिंग लगी परफेक्शन आईएस कंपनी ने लगाया, शंभू श्रीवास्तव या क्या नाम है, शंभू सलम, उसकी भी संपत्ति की जांच, खान की संपत्ति की जांच, और कुछ जो और लोग हैं, क्या कारण है कि इन लोगों का यूट्यूबर मार्केटिंग करता है? इसका मतलब है पैसे का लेन देन है। जो भी बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोचिंग का मार्केटिंग करता है वो कहीं ना कहीं लेन देन का मामला है, पैसे का लेन देन का मामला है। इसकी कनेक्शन की पूरी जांच होनी चाहिए। पूरी लगभग कुछ लोगों को छोड़ के लगभग जो यहां पर कोचिंग चलाने वाले लोग हैं वो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के मार्केटिंग के बदौलत बिहार के बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हुडिंग लगाकर। और इस घटना में, तमिलनाडु की घटना में, जिस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को इन लोगों ने पैसा फंडिंग किया है उन पर भी केस करके जेल में डालना चाहिए, हर कीमत, हर कीमत, किसी भी परिस्थितियों में। मैं मांग करता हूं कि लोकतंत्र और इंसानियत खतरे में पड़ गई है। जो नेता को छोड़कर, नेता पहले से ही उन्माद पैदा करने में दल में जितना जातीय उन्माद नेताओं ने, नेता के कैरेक्टर पर था, लेकिन जब कोचिंग पत्रकारिता नेताओं के राह पर चलने लगे तो अब देश की स्थिति, और जिस तरीके से 23 तारीख को जातीय आधार पर क्या अब अपराधियों की महामंडित होगी, क्या बिहार का, बिहार के जनता को खून खराबा करवाने में जिसकी भूमिका है उसको बीजेपी सपोर्ट करेंगे? इसमें जाति कहां आती है? जाति तो कहीं नहीं है, व्यक्ति है। और जो लोग ऐसे अपराधी प्रवृत्ति को जाति बनाते हैं, इसका मतलब है वो सहजानंद सरस्वती जी, पंडित जदुनंदन शर्मा जी, राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि जी और भगवान परशुराम के कैरेक्टर को नहीं जानते। हम उस ब्रह्मर्षि और भूमिहार समाज के लिए खड़े हैं जो भगवान परशुराम के कैरेक्टर से जीते, जो राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि, सजानंद सरस्वती और पंडित जदुनंदन शर्मा को मानने वाले लोग हैं, बाबू श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लीडर को तवज्जो मत दीजिए, उसके मंच पर मत जाइए। आपके कारण इन लोगों का मन बढ़ा है, इन लोगों पर कार्रवाई करके जेल में बंद करिए। नीतीश जी से आग्रह करेंगे, जो नेता किसी जाति को, किसी धर्म और मजहब को, चाहे जिस पार्टी का सत्ता, किसी भगवान को, गीता को, रामायण को, कुरान को गाली देता है, मजहब और जाति के आधार पर बाइफरकेशन करता है, वो संविधान के दायरे में रह के बात नहीं करता है, उनको भी यूओ के तहत जेल में बंद किया जाए। जब फर्जी पत्रकार और अपराधी पत्रकार बंद होंगे तो फर्जी नेता, अपराधी नेता को भी बंद किया जाए। मैं डिमांड करता हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। जाति के आधार पर जाति का अपमान करना, ये बंद करिए तेजस्वी जी, नीतीश जी, बीजेपी और विजय सिन्हा जी और बीजेपी के लोग, ये सही नहीं है। चुनाव आते आते इस तरह का रंग, इसलिए जो लोग
ऐसे प्रवृत्ति के साथ खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों पे एफआईआर लॉन्च कर उन लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, ताकि समाज बच सके, ताकि समाज का सम्मान बच सके। बस मेरा एक डिमांड और है, उसके बाद मेरा कुछ नहीं कहना है। अभी हम लोग लगातार हमारी लड़ाई हो रही है। 60 साल पहले नहर के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया गया, ये मैं बता दूं, हमीदनगर पुनपुन परियोजना, हमीदनगर पुनपुन परियोजना जो जगदेव बाबू का सपना था, जगदेव बाबू का सपना था। और पंडित जदुनंदन शर्मा जी ऐसे चीजों के लिए जाने जाते हैं लड़ने, 54 वर्षों से वो लंबित, 1974 में कुर्था विधायक जगदेव बाबू ने इस बात को रखी थी, नारा दिया था हमीदनगर में बांध बनाएंगे और मछली भात खाएंगे। मुख्य उद्देश्य औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और अरवल को सिंचाई व्यवस्था मुहैया करानी थी। इसके अलावा मोरहर और बल्दिया नदी को जोड़ना था, ताकि जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया के किसानों के खेत में पानी जाए। जगदेव बाबू द्वारा बनाए पुराना नक्शा को बदलकर नए नक्शा पर आधार जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जिसका स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं। नहर बनाने के लिए अपनी जमीन सरकार को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नए नक्शे से अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिले के किसानों को पटवा नहीं मिल पाएगा। विरोध करने का दूसरा कारण यह भी है कि जमीन के मुआवजा राशि का रेट भारी गड़बड़ी है। हर गांव का जमीन का अलग रेट 6 लाख प्रति बीघा तो कहीं 20 लाख प्रति बीघा दिया जा रहा है। तीसरा कारण, किसान लगभग 100 साल से खेत को जोत रहे हैं, इतने दिनों से माल गुजारी दे रहे हैं और उनको ब्रह्मत्तर और बकासत के नाम पर उन लोगों को 22 बीघा, 4-4 बीघा जमीन जा रहा है, 2-2 बीघा, 4-4 बीघा जमीन, लेकिन सरकार आज तक नोटिस नहीं ले रही है। 60 साल पहले भी नहर के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया गया, आज तक पानी नहीं आया। और महत्वपूर्ण कारण किसानों का विरोध, किसान नेता पंडित जदुनंदन शर्मा मझगामा उच्च विद्यालय प्रांगण 16/3/2003 से अनिश्चितकालीन लोग धरना पर बैठे हैं। मैं सरकार से डिमांड करता हूं, वहां 3 गुना मुआवजा किसानों को मिले। जगदेव बाबू जिस नक्शा को तय किए थे उस पर अमल किया जाए। और 54 के बाद आज तक पानी नहीं मिली। कई बार लालू यादव ने भी बनाने की कोशिश की, नीतीश कुमार घोषणा करके नहीं हुई। इसीलिए पूरी सर्वदलीय और मेरी पार्टी लगातार बजियागांव में बैठी हुई है, धरना पर बैठा हुआ है। हमारे नेता रोशन शर्मा और सारी पार्टियों को लेकर मैं डिमांड करता हूं, अन्यथा मझगामा से लेकर अरवल तक हर गांव की पदयात्रा, यदि सरकार नहीं सुनी तो अप्रैल में पदयात्रा का कार्यक्रम शुरू करूंगा। और गया होते हुए गया के मैदान में सरकार से अपनी डिमांड रखूंगा। बस ये 2 मांग है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है। पटना में रुपसपुर इलाके में आरजेडी के विधायक के द्वारा जमीन कब्जा करने का मामला आया है, फायरिंग भी हुई है। सर मैं बहुत क्लियर हूं, मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। किसी को भी ये आरजेडी विधायक नहीं, क्या बीजेपी विधायक कब्जा नहीं कर रहे? क्या जदयू विधायक कब्जा नहीं कर रहे? विधायक किसी पार्टी का हो, मुझे लगता है कि जदयू के विधायक थोड़ा संयमित होंगे नीतीश कुमार के डर से, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के विधायक और मंत्री जिस तरीके से हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, इसका असर महागठबंधन पर पड़ रहा है। कांग्रेस और जदयू के विधायकों का कैरेक्टर नेताओं के चरित्र से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इधर नीतीश कुमार के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गलतियां जदयू और कांग्रेस कभी करेगी, लेकिन आरजेडी के विधायक पर कोई कंट्रोल नहीं है। आरजेडी के विधायक कुछ भी किसी को गाली देंगे, जब मुख्यमंत्री को ही गाली देते हैं और किसको बख्शेगा। गाली देने का बड़ा रिजल्ट यह निकला कि उसके दूसरे भाई को एमएलसी की टिकट दे दी गई, और जब तेजस्वी जी के गाड़ी पर ऐसे महाबली सब बैठेंगे, खड़े रहेंगे,
तो SDO BDO दरोगा क्या करेंगे? हम भट्टी साहब से आग्रह करेंगे, आपके लिए अग्नि परीक्षा है। ऐसे लोग जो सत्ताधारी जमीन कब्जा करने में गोली चलाते हैं बिना किसी कारण और सत्ता के पूछे, उन्हें जेल में बंद करना चाहिए। सबका वेतन दुनिया में बढ़ता है, बस गरीबों और किसानों के लिए कुछ नहीं बचा है दुनिया में, रोजगारों के लिए कुछ नहीं बचा है। हम 6,000 रुपया पर कैपिटा कुत्ता से भी बदतर जिंदगी बिहार के लोग जिएंगे। नेता लोग नेता लोग के परिवार को मस्ती में रहना चाहिए, आम लोगों की जिंदगी जितना कुत्ते से भी बदतर हो जाए उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करिए। कल सर बिहार बंद की घोषणा की गई है, उसको माने कहा है कौन है मैं नहीं जानता हूँ, वो तेजस्वी जी से पूछिए के समर्थन में बिहार बंद होगा। तेजस्वी जी से पूछिए कि ये कौन आदमी है, मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के बारे में कहने नहीं आया हूँ। लेकिन जो जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना करवाई है और लगातार शुरू से लेके महात्मा गांधी तक को गाली दिया है इस व्यक्ति ने, महात्मा गांधी के गाली देने के बाद क्या उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है? ये पटेल पूरा देश घूम गया, कोई पटेल मियां होता पूरा चैनल भरा रहता, और आज गाली दिया जाता नेहरू खानदान को, राजीव राहुल गांधी को। किस बात का डर है राहुल गांधी और नेहरू खानदान से इस बीजेपी को? महात्मा गांधी को बैठ के गाली दिया इसने। विचार अलग हो सकते हैं, निश्चित रूप से कोई गोरसे का विचार होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस का, हमारी भी कई जगह आपत्ति हो सकती है महात्मा गांधी जी के कई चीजों से, लेकिन गांधी हमारे देश का सोल है और उसको गाली देना देशद्रोही नहीं है। और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये तेजस्वी जी से पूछिए जिन जो मन पर जाकर के ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, हमसे बात पूछिए। तेजस्वी जी श्री बाबू का इतिहास है हमारा बिहार, धरोहर है श्री बाबू का, उसके पहले राज कवि दिनकर का, पंडित जदुनंदन शर्मा का, सजानंद सरस्वती का, ऐसे गंदे लोगों का नहीं। और मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा ब्रह्मर्षि या कोई जाति पप्पू यादव है, मैं मर जाऊंगा जाति और धर्म के खिलाफ एक सवाल, राजनीति करूं ना करूं, कुर्सी मिले ना मिले, लेकिन जाति और हिंदू मुसलमान के सवाल पर किसी को गाली नहीं दूं। पप्पू जी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करने के बाद ही इस तरह की बड़ी कार्रवाई मनीष कश्यप के विरुद्ध हुई है। कौन है ये आदमी, सामने आइए ना, चेहरा देखना चाहिए। सर एक बात समझ में नहीं आता है, स्क्रिप्ट कहाँ लिखा गया? ये लोग तेजस्वी यादव को क्या चैलेंज करेंगे? सर तेजस्वी यादव जी खुद ही इन लोगों के मंच पर गए हैं, इन लोगों को तवज्जो दिए हैं। तेजस्वी यादव के पैर के धूली हैं क्या ये अपराधी लोग? स्क्रिप्ट कहाँ लिखा गया? नागपुर में तय कहाँ हुआ? दिल्ली में? और बुलवाया गया कहाँ? अपराधी के द्वारा 180 दिन ये तय कौन किया? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं आप किस जात के लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा हमको आप ये बताइए, क्या वो वीडियो जो बना है जिन नेता और जिस अपराधी पत्रकार के द्वारा, क्या वो गलत नहीं है जिससे दर्जनों बिहारी मारे गए और पीटे गए, फिर वहां पर जाकर के वहां के नेताओं ने क्रोध पैदा किया? ये सूर्य पर थूक फेंकेंगे? 8 करोड़ दिव्यांश का पैसा कहां गया? अभियांश तो इसमें आया उसका, और इतने फंडिंग कहां से हुए? लंदन से किसने फंडिंग की? उसकी जांच क्यों नहीं? मधु कोरा का पैसा लेके भागने वाला कौन व्यक्ति है?
मधु कोरा, और उसके बाद वहां कितने हजार करोड़ का टर्नओवर बना करके बैठकर वहां से बीजेपी और अपराधी को फंडिंग करना, उसकी क्यों नहीं जांच? एक सवाल और है सर, कि जो अनिश कश्यप के समर्थन में लोग, उनका कहना है कि पप्पू यादव ने भी बिना फैक्ट चेक किए हुए वीडियो जो है वीडियो के लिए आंदोलन किया और तमिलनाडु सरकार से सवाल भी पूछा। तमिलनाडु पुलिस की जो यहाँ पर कार्रवाई, उस पर आपका क्या कहना? सर मैं बहुत क्लियर हूँ इस पर, मैंने फैक्ट को वहाँ एक एक घर गया हूँ जहाँ मारे गए हैं, जहाँ डैगर लगे हैं, मातो के यहाँ गया हूँ, पवन यादव के यहाँ गया हूँ, दास के यहाँ गया हूँ, देसरी गया हूँ, और सबको पैसा दे के आया हूँ। इन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट कहा, मैंने सवाल तमिलनाडु से पूछा, यदि फांसी लगाया तो वो वीडियो कहाँ है, देसरी में ट्रेन में कटा तो वो वीडियो कहाँ है, पवन यादव को रट लगा तो वो क्या हुआ, 2 तारीख को महतो को, मंटू महतो को झारखंड में मारा गया तो वो कौन था? ये कैसे एक साथ इतनी घटना हो गई, सरकमस्टेंसेस हो गए और प्लान होने लगे। इस घटना के बाद जो फर्जी वीडियो चालू हुआ 2-3 वहां के लोकल नेताओं को लगा, अरे उधर तो हो रहा है, मैं क्यों चुप? शुरू पूरब कर दिया, पूरब वाले को लगा, अरे पूरब हो रहा है, मैं क्यों चुप? पश्चिम कर दिया, और इसी गलतफहमी में बिहारी पिटा गए, बिहारी भागने लगे। सत्य है कि इस घटना के बाद बिहारी पिटा है, डैगर लगा है, और घटनाएं घटी है। तमिलनाडु पुलिस कहती है तो फांसी जो हुआ उसका वीडियोग्राफी हुआ होगा, उसको लाए, और देसरी में जो बोल रहे हैं कि ये ट्रेन से कट गया उसको लाए, और महतो के बारे में जो बोल रहे हैं कि बॉर्डर पार लाश मिली तो महतो का कॉल डिटेल टेलीफोन निकाले कि 4 घंटा पहले महतो तमिलनाडु में था कि नहीं, 4 घंटे के बाद लाश वहां कैसे चली गई, टेक्निकल लाभ है। स्टालिन सरकार की जांच पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर स्टालिन सरकार हो या कोई सरकार हो, स्टालिन एज ए मैन अच्छा इंसान है, लेकिन सरकार अपनी बदनामी को बचाने के लिए अपने तरीके से काम करेगी, वह किसी दूसरों के तरीके से काम नहीं करेगी।